राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में शनि ग्रह को लेकर। लोगों को बहुत ज्यादा डर होता है, कुछ लोग डरा भी देते हैं कि शनि की साढ़े साथी है, शनि की ढैया है, ये इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। शनि क्या है? क्या आपको नुकसान देता है? क्या शनि का हमें कैसे उपाय करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए? शनि से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बहुत से लोग शनि से इतना व्यक्ति को डरा देते हैं कि वो व्यक्ति चाहे उसके कारक का स्वामी शनि होने पर भी उसके उपाय करने लग जाता है, दान करने लग जाता है। तो उसको कहां क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए या उपाय, पूजा पाठ, समाधान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आज इन सब बातों के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, तो आप जुड़िएगा हमसे। और अगर आपके भी ये परेशानी है तो आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, शनि ग्रह प्रत्येक की कुंडली में विराजमान होता है, आपकी कुंडली में भी, मेरी में भी, सबकी में होता है, क्योंकि नौ ग्रह तो सबकी कुंडली में होते हैं। लेकिन अगर शनि ग्रह लग्न में, त्रिकोण में और केंद्र में शनि की राशियां विराजमान है, इनका अगर शनि स्वामी है, तो आपका शनि की साढ़े साथी आएगी तो भी आपको लाभ होगा, शनि की ढैया आएगी तो भी आपको लाभ होगा। शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस समय आप शनि की पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल या तिल के तेल की जोत जलाएं, आप शनि स्त्रोत का आप पाठ करें, ऐसी पूजा पाठ आप करते रहें या शनि मंत्र का आप जप करें, उसको करने से और शनि पावरफुल होगा और आपको लाभ देगा। अगर वो 6, 8, 12 का स्वामी है, शनि आपके 6, 8, 12 इनका स्वामी है, तो उसकी अगर आप पूजा करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा, वो आपको लाभ नहीं दे सकता। आप जितनी उसकी पूजा करेंगे उतना वो आपको नीचे ले जाएगा, चाहे वो साढ़े साथी में हो, चाहे ढैया में हो, चाहे किसी में भी हो, चाहे उसकी मां दशा हो, अंतर दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, फिर वो आपको नुकसान क्षेत्र में ले जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है? नुकसान से बचना है। तो हमें नुकसान से बचने के लिए काली उड़द, काला कंबल, सरसों का तेल, लोहे की कील, ये सब चीजें जो शनि के निमित्त हैं, काला कपड़ा, ये हमें दान करना चाहिए। शनि मंदिर में दान दीजिए या किसी गरीब को दान दीजिए या जो भी दान लेता हो उनको आप दान दीजिए। और जब आप इनको दान करेंगी तो जो मारक का स्वामी शनि है वो कमजोर हो जाएगा और वो आपका अहित नहीं कर सकता, अहित नहीं करेगा, चाहे वो ढैया हो, चाहे साढ़े साथी हो, क्योंकि आपने उसका उपाय किया है। तो शनि ग्रह पावरफुल तो है, इसको तो हम मानते हैं, लेकिन वो अच्छे फल भी उतने ही देता है जितने की हम लोग उससे डरते हैं। जितना वो गलत फल देता है उतने ही फल अच्छे देता है। लेकिन सबसे बात मैन ये है कि हमें उसको समझना है, शनि को हमें समझना है कि वो मारक में है या कारक में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, किसका स्वामी है, कैसे पूजा करें। मैं आपको पूजा पाठ करने की, आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, आप पूजा पाठ कीजिए। लेकिन पूजा पाठ कब सफल होगी? जब आप संकल्प लेकर के पूजा करेंगे। बिना संकल्प के आप कुछ भी चढ़ाइए, कुछ भी पूजा कीजिए, कुछ भी दान कीजिए, कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होता, नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु को सबसे पहले संकल्प प्रिय है। संकल्प के बाद वचनबद्ध होकर के हम भगवान को जो अर्पण करेंगे, ग्रहों को जो अर्पण करेंगे, वो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जब वो उनको स्वीकार करेंगे तो वो हमें फल भी अच्छा देंगे, और फल अच्छा देंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। जीवन सफल होने के साथ साथ हमारे जो दुख हैं उनका हनन होगा, वो खत्म होंगे, और सुख हमारे जीवन में अच्छी तरह से प्रकाशित होंगे, सुख हमारे जीवन में आएंगे। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।